ये पूरा जहाँ जहाँ एरोलाइट लगाया था हमने पूरा सूख गया है, अभी पूरा मजबूत हो गया है। अभी इस पेपर को हमें निकालना है। निकालने से पहले देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके जहाँ पे थोड़ा एरोलाइट लगा है उसे फ्री कर लेना है। फ्री नहीं करने से वो निकलेगा नहीं, बहुत टाइट है। तो हमने पेपर फाइनली निकाला हो और ये देखिए इसे अभी क्लीन करना है। जो पेपर निकाला हो उसी का एक टुकड़ा लेके इसे ऐसे अच्छा से क्लीन कर देना है, क्योंकि यह एरोलाइट का टुकड़ा टकरा रह जाएगा तो ये ख़राब हो सकता है। फिर से जो नया हम डायफ्राम लगाएंगे वो, इसलिए इसे अच्छा से साफ कर लेना है। देखिए क्लीन हो गया है और ये देखिए हमारा चारों साइड बराबर है। तो ये मैग्नेट का जो कैप साइड था वो कैप साइड हमने बनवा लिया है, आपका सामने ही बनाया हूँ कल का वीडियो में, और आज इसका पेपर ओपन करके दिखाया हूँ आप लोगों को। ये देखिए चारों साइड बराबर है। अभी एक नया कोयल यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। नया कोयल फ्री होता है कि टाइट होता है। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ये देखिए एक नया कोयल है और ये पूरा फ्री अंदर गया है, बाहर आ रहा है। ये देखिए पूरा फ्री है और इसका जो होल था होल भी पूरा सेंटर है। हम अभी इसे लगा सकते हैं, लगा के फिटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों को बना के देता रहूँगा। आज मैग्नेट कैप साइट रिलेटेड था, इसका पार्ट वन भी है मेरा चैनल में, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो इसे क्लीन करके साथ में हम इसका कोयल भी चेंज कर देते हैं। कोयल चेंज करके कंप्लीट करके दिखा देते हैं कोयल चेंज करने का फॉर्मूला क्या है। ये देखिए कोयल चेंज करने के लिए पहले पुराना कोयल निकल देना है। और बहुत लोग ये सोचेंगे कोयल चेंज करना तो हर किसी को आता है, कोयल चेंज करने के लिए वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। उसमें भी कुछ पॉइंट है जिसके कारण से आप लोग कोयल चेंज करते हैं और चेंज करने का बाद बार बार कोयल उड़ जाता है, उसका कारण समझ जाइए। ये देखिए कोयल का साथ एक प्लास्टिक लगा हुआ है। इस प्लास्टिक जिस कोयल में लगा के आता है उसमें एक्स्ट्रा पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये देखिए मैं साफ कर रहा हूँ सोल्डरिंग का बगल का जो पेस्ट लगा हुआ रहता है उसे अच्छे से साफ करना है, नहीं तो उसके लिए क्या होता है थोड़ा बिगा रह जाने से थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिंग पावर बॉडी का साथ टच होता है और टच होने से कोयल जल्दी शॉर्ट हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं ये कोयल तो लगा देते हैं, क्लीन भी कर लेते हैं, क्लीन करने का बाद कोयल का ऊपर में और एक पेपर डाल देते हैं साउंड ज़्यादा आने के लिए, बोलते हैं साउंड ज़्यादा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा पेपर डालने से कोयल का हाइट ज़्यादा हो जाएगा, कोयल मैग्नेट का अंदर पूरा नहीं जाएगा, तो वो जल्दी ख़राब होगा ही, क्योंकि कोयल स्प्रिंग का जैसा मूव अप करते रहता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। और अब एक तो प्लास्टिक कंपनी ने डाल के दिया है, उसका साथ और एक पेपर भी डाल देते हैं तो उसका हाइट ज़्यादा हो जाता है। और कोयल का जो मुंह है वो कभी कभी क्या होता है बीच में फंस जाता है, फंसने से कोयल शॉर्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा मॉडिफाई मत कीजिए, जो कंपनी का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से लगाइए। एक्स्ट्रा मॉडिफाई करेंगे तो आपका कोयल बार बार ख़राब होगा। हम भी पेपर डालते थे पहले, किसी किसी कोयल में ये प्लास्टिक नहीं आता था, मिल्टन का कुछ कम रेट वाला कोयल है अभी भी मार्केट में मिल्टन कंपनी का, वो सब कोयल जब हम लगाते थे तब जाके उसमें एक्स्ट्रा पेपर डालते थे। एक्स्ट्रा पेपर डालने से ये अलाइनमेंट सही हो जाता था। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं मिल्टन क्या रॉक्सी क्या ऊर्जा क्या सब में डाल देते हैं, सब में डालने से
नहीं होता है, वो आपको समझ के डालना पड़ता है किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए। और सोल्डरिंग करने का बाद ये देखिए पूरा ध्यान से इसको पूरा शॉर्ट करके काट लेना है और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके चारों साइड को क्लीन कर लेना है। जो पेस्ट आपने डाला था वो पेस्ट अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो वो पेस्ट की वजह से मैग्नेटिक टच होते रहता है बॉडी के साथ। तो हमारा कोयल हमने फिटिंग कर लिया, अभी चारों स्क्रू लगा देता हूँ। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का क्रिटिकल पॉइंट जिसके कारण से सामान ज़्यादातर ख़राब होता है, ये सब मैं आप लोगों को बता के दूंगा किस किस कारण से कौन सा चीज़ में इफ़ेक्ट आता है। और लोग सोचते हैं ये कंपनी ख़राब है वो कंपनी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। आहूजा थोड़ा सही है लेकिन रॉक्सी का जो डायफ्राम है वो भी ख़राब नहीं है, वो भी ठीक है। लगाने का प्रोसेस अच्छे से मेंटेन कीजिए, लास्टिंग आ जाएगा। यहाँ पे हमें दो पीवीसी टेप का टुकड़ा लगा देना है क्योंकि बाय चांस कभी हमारा वायर लूज रहने से, मेरा तो कभी लूज नहीं रहता है फिर भी मैं लगा रहा हूँ, कभी लूज रह जाने से क्या होता है मूव अप जब होता है कोयल तब वो अटैच होने का चांसेस है, इसलिए वहाँ दो पीवीसी टेप लगा देना है और फिर कोयल को अच्छे से फिटिंग कर लेना है। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और किसी डाउट रहने से मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसका भी डिटेल्स आपको देने की कोशिश करूँगा। और ये चार स्क्रू लगाने का टाइम भी थोड़ा सोच समझ के लगाना है, चारों स्क्रू को पहले फंसा देना है, टाइट नहीं करना है। इसे सीधा करके लगाने का बाद एक स्क्रू डायरेक्ट टाइट नहीं देना है, ये देखिए दो तीन राउंड घुमाना है फिर दूसरा में चला जाना है, ये देखिए ऑपोजिट साइड में जाके इसको फिर दो तीन राउंड घुमाना है फिर दूसरा एक में जाना है, इसको दो तीन राउंड घुमा देना है, धीरे धीरे करके चारों स्क्रू को टाइट करना है। एक साथ आप एक स्क्रू को टाइट कर लेंगे तो कैप्साइट हो जाएगा और इसी कैप्साइट की वजह से आपका कोयल फिर से उड़ सकता है, इसलिए एक साथ टाइट नहीं करना है, एक एक को धीरे धीरे दो तीन बार में राउंड घुमा के टाइट करना है, तब कैप्साइट नहीं होगा। और लगाने का बाद ये देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, बॉडी का साथ भी देखना है यहाँ कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, अगर बॉडी का साथ कंटिन्यूटी आ जाएगा तो आपका साउंड क्लियर नहीं आएगा। तो इतना ही था हमारा वीडियो, कोयल का मैग्नेट पहला वाला पार्ट में मैंने मैग्नेट का कैपसाइट कैसे मैग्नेट का कैपसाइट को रिपेयर कर सकते हैं बिना फ्रेम से वो भी दिखा दिया हो, और इसमें मैग्नेट ओपन करके जो हमने बनाया था मैग्नेट उसका पेपर ओपन करके कोयल लगा के भी दिखा दिया हो। तो एक यूनिट में इतना ही काम रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।